हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इशू लूजर। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी हाउ टू मेक अ ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल फॉर पार्टीज एंड यू विल मेक दैट हेयर स्टाइल एट होम और एट स्कूल एज वेल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द हेयर स्टाइल। तो स्टेप वन है कि आपने सबसे पहले अपने हेयर्स को सही तरह से कॉम्ब कर लेना है। मैं अपने हेयर सही से कॉम करूंगी। ओके, सो कॉम करने के बाद आपने क्या करना है, देखना है कि आपके हेयर, आप मेक श्योर करना है कि आपके हेयर इस तरह हो, मतलब पीछे की तरफ हो, बीच में से मांग नहीं निकालनी, इस तरह रखनी है, ठीक है। और आपने क्या करना है, एक साइड से एक छोटी सी लेयर अपने हेयर्स की लेनी है ऐसे, और उस लेयर में से एक्स्ट्रा हेयर्स निकाल के उस लेयर को ऐसे पकड़ लेना है, ठीक है। अब इसी तरह आपने एक और लेयर लेनी है और एक्स्ट्रा हेयर्स निकाल के वही करना है, रिपीट करेंगे एक और लेयर लेके। ऐसे हो गया, तो इस तरह से हमने थ्री लेयर्स लेनी है। उसके बाद आप वहाँ पे ब्रेड बनाएंगे, राइट लेयर को मिडिल में लाएंगे, फिर लेफ्ट लेयर को मिडिल में लाएंगे, रिपीट करेंगे। ओ मैं कंफ्यूज हो गई लेयर्स के बारे। ओके, इस तरह राइट लेयर, मिडिल, लेफ्ट लेयर, इस तरह रिपीट करेंगे आप जब तक आपकी प्रॉपर ब्रेड ना बन जाए पीछे तक, ठीक है। मैं ये हेयर स्टाइल ज़्यादातर स्कूल में और पार्टीज में बनाती हूँ बिकॉज आई लव दिस हेयर स्टाइल। अच्छा, ब्रेड जब ख़त्म हो जाए तो आप उसे पीछे रखेंगे। और ये क्या हुआ, जब मतलब आई मीन हेयर की जो ब्रेड है वो जब एंड हो जाएगी तब आपने, मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। अपनी ब्रेड कंप्लीट कर लूँ, ब्रेड कंप्लीट हो गई है। अब आपको क्या चाहिए होगा, आपको ज़्यादा सी बॉबी पिंस चाहिए, लेकिन मैं तो 4 यूज़ करती हूँ, लेकिन आपने जितनी भी लेनी आप ले सकते हैं। मैं एक बॉबी पिन लूंगी, एंड बॉबी पिन को उस ब्रेड पे लगा दूंगी, ब्रेड को फिक्स रखने के लिए। इसी तरह मैं दोनों साइड्स पे 2-2 लगाती हूँ। दूसरी साइड पे भी एक, ठीक है। इस तरह हमारी ब्रेड बन गई है। मैं एक मिनट शीशे में देख लूँ सो दैट आई नो, क्योंकि इतनी देर से मैं बाकायदा देख के ब्रेड बना रही थी। ओके, ऑल वेल। अब आपने क्या करना है, जो साइड पे बाकी हेयर्स हैं उनको सही से ब्रश कर लेना है। मैंने ब्रेड को ब्रश कर लिया। ओके, ब्रश करके आप कोई भी अपनी फेवरेट पोनी लेंगे। मेरे पास अभी ब्लू कलर की पोनी, हाँ है, ये मेरा ही मेरी ब्लू पोनी, मैं अपनी ब्लू पोनी लूँगी। उसके बाद आपने ब्रेड के पीछे से एक पोनी टेल बना लेनी। पोनी टेल ज़्यादातर मैं लो बनाती हूँ क्योंकि हाई बनती नहीं है बिकॉज ऑफ द पिंस। ताकि मैं ये कुछ नहीं पता मैं क्या बना रही हूँ, मैं इतनी देर से बगैर शीशे का ही बना रही हूँ और मैं कैमरे की तरफ देख के बना रही हूँ। आई होप इट्स गुड। ओके, लेट मी सी इन द मिरर।
हमारे साइड क्या होता है कि जब भी आप ब्रेड्स बनाते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे बाल जो होते हैं ना थोड़े से वो खड़े हो जाते हैं। इसके लिए भी मैं एक पिन लगा लेती हूँ, ठीक है। और पिन लगा के मेरे पास कुछ बोस पिन्स हैं, तो वो बो पिन्स भी मैं अप्लाई कर लेती हूँ, आई मीन लगा लेती हूँ। ये मेरी बो पिन है, मैं एक मिनट इसे लगाऊंगी अभी। देखो वो पेन असल में टूटी हुई है थोड़ी सी, तो उसको ना फिक्स करने में थोड़ा टाइम लगता है। नो प्रॉब्लम, आई कैन डू इट। यस, जुड़ गई। और मैं वो पेन को राइट ऑन द टॉप लगा लेती हूँ। मुझे शीशे में देखना पड़ेगा इसके लिए, ये थोड़ा सेंसिटिव काम है। तो ये है मेरा हेयर स्टाइल। आई नो आई लुक अ बिट वियर्ड, बट नो इट्स नॉट एट ऑल वियर्ड। फाइनल लुक मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अभी पिक्चर लेके, क्योंकि इस तरह तो मुश्किल है। तो ये देन टर्न अराउंड, यहाँ से आप देख सकते हैं। एंड नाउ फ्रॉम द बैक देखिए, सो आई होप कि आप लोगों को मेरा हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लगा होगा। और मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।